नमस्कार, मैं दीपक, स्वागत करता हूं आपका ज्ञानर्स पर। साथियों, आपके सामने हाजिर में एक और अच्छे वीडियो के साथ में। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चाइना में एक बांस का पेड़ होता है, ट्री होता है। तो जब उसको रोपा जाता है, उस पेड़ को जब लगाया जाता है, तो उसको 4 साल खाद पानी देने के बावजूद भी उसमें एक हल्का सा भी अंकुर नहीं निकलता है, एक छोटी सी भी कली उसमें बाहर नहीं निकलती है 4 साल पानी और खाद देने के बावजूद भी। लेकिन क्या होता है कि जैसी वो 5वें साल में वो पेड़ एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो मात्र 1.5 महीने के अंदर अंदर वो पेड़ जो है 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। ध्यान रखिए, 4 साल तक वो पेड़ जो है खाद पानी देने के बावजूद कुछ नहीं उगा था, लेकिन 5वें उसमें प्रवेश करने के बाद केवल 1.5 महीने में वो पेड़ क्या हो गया, 90 फीट तक वो बांस का पेड़ जो है लंबा हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो बांस का पेड़ क्या केवल जो है उन 1.5 महीनों में ही उगा, कि उसके लिए वो 4 साल भी मायने होते हैं। सोचिए, अगर आप 4 साल तक उसको खाद पानी नहीं देते तो क्या वो पेड़ जो है 90 फीट तक 1.5 महीने में हो पाता। अगर आप उसको 4 साल के बाद ही अगर झुंझला कर अगर आप सोचते कि उगी नहीं रहा है, तो अगर आप उसको बाहर निकाल देते, तोड़ देते उस पेड़ को, ठीक है, तो क्या वो आपका 90 फीट तक जा सकता। सीधी सी बात है, नहीं जा सकता था। तो कहने का मतलब ये चीजें देखिए हम पर भी लागू होती हैं कि हमको धैर्य के साथ काम करना चाहिए, हमको ये तुरंत रिजल्ट की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। हर काम में कुछ ना कुछ समय लगता है। अगर कोई बिल्डिंग भी बन रही है तो एक रात में कोई बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती है, कुछ सेकंडों में तैयार नहीं हो सकती है, उसको भी क्या लगेगा, समय लगेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कोई एथलीट है, मान लो, ठीक है, खेल का जो है कोई प्लेयर है, अब किसी भी प्लेयर में हो सकता है, मैं एथलीट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उस एथलीट को अगर मान लीजिए वो ओलंपिक में अपना जो है परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो मान लो जीत जाता है, और उसको जीतने में आपको पता है 20 से 30 सेकंड का एक जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें वो मान लो जैवलिन थ्रो कर रहा है या आपका रेस कर रहा है, तो वो 20 से 30 सेकंड में वो जीत जाता है और अपने देश के लिए मेडल जीत जाता है। अब सवाल यहां भी उठता है कि क्या वो 20 से 30 सेकंड में जीता। सीधी सी बात है, नहीं जीता 20 से 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड में तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन उस परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए वो पिछले 8 से 10 साल तक क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, मैदान में लगातार अपना पसीना बहा रहा था, उसने आलस से छोड़ा होगा, उसने जो है अपना खान पान जो भी उसका है उसको मेंटेन किया होगा, प्रॉपर अपने डाइट को मेंटेन किया होगा, और तब जाके वो 15 से 20 सेकंड जो भी है या 30 सेकंड है उसमें वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा पाया और अपने देश के लिए मेडल जीत पाया, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि हमको किसके साथ काम करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा धैर्य और विश्वास के साथ में काम करना चाहिए, तभी हम सफल होंगे, ठीक है। और एक बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपके लिए आपका काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।